आस्था स्थल चूड़धार के विकास के लिए करोड़ों का बजट उपलब्ध करवाने के लिए युवा मोर्चा ने किया सरकार का धन्यवाद। नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत 3,32,00,000 तो नाबार्ड से उपलब्ध हुआ 8,58,00,000 का बजट। हिमाचल के प्रमुख आस्था स्थल चूड़धार के धार्मिक पर्यटन विकास के लिए करोड़ों का बजट उपलब्ध करवाए जाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार तथा मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। भाजयुमो रेणुका जी मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई राहें नई मंजिलें योजनाओं के तहत चूड़धार के लिए कुल 3,32,00,000 का बजट उपलब्ध हुआ है, जिसमें से 1,47,00,000 की लागत से नौराधार चूड़धार ट्रैकिंग रूट का काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा चापधार तक नौराधार चूड़धार पक्की सड़क निर्माण के लिए नाबार्ड के तहत 8,58,00,000 का बजट स्वीकृत हो चुका है। उन्होंने कहा कि नौराधार होकर हर साल चूड़धार के लिए देश के विभिन्न हिस्सों तथा सिरमौर व प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु व पर्यटक पहुँचते हैं और यहाँ रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने पर क्षेत्र के सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के शासन काल में जहाँ आस्था स्थल चूड़धार के विकास पर फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की गई, वहीं वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों का बजट यहां के लिए स्वीकृत किया जा चुका है और जल्द चूड़धार के समीप हेलीपैड बनाए जाने की प्रपोजल पर भी काम शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए जहां संग्रह में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी की स्मृति में 27,00,000 का पार्क बनाया गया है, वहीं हरिपुर धार के पर्यटन विकास की करीब 85,00,000 की प्रपोजल को भी जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। प्रमुख पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल चूड़धार में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों का बजट स्वीकृत कराया गया। ये मैं प्रदेश सरकार का और युवा मोर्चा रेणुका मंडल की ओर से और समस्त इस क्षेत्र की जनता की ओर से प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश सरकार द्वारा नई राहें नई मंजिलें इस योजना के अंतर्गत 3,32,00,000 का बजट स्वीकृत हो चुका है। इस बजट के अंतर्गत ट्रैकिंग रूट के लिए 1,50,00,000 रुपये का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा नौराधार से चूड़धार के लिए 8,50,00,000 रुपये का बजट भी स्वीकृत हो चुका है। इस बजट की स्वीकृति दिलाने के लिए मैं प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर्यटक की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हर एक प्रकार का प्रयास संभव किया जा रहा है, जिसमें कि संग्रह में किंकरी देवी पार्क के लिए भी 27,00,000 का बजट प्रावधान किया है और उस बजट के अंतर्गत किंकरी देवी पार्क बनाया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने 8,50,00,000 की जो राशि है वो सड़क निर्माण के लिए चूड़धार के लिए सैंक्शन की है और 1,50,00,000 जो कि एक ट्रैकिंग रूट बनेगा उसके लिए इन्होंने दिए। तो हम एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए ये एक बहुत बड़ी एक सुविधा हो गई है।